बहुत समय पहले चीन में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन एक अमीर और प्रतिष्ठित दिखने वाला आदमी उनके घर आया और अलादीन की माँ से कहा, मैं अरब से एक व्यापारी हूँ और चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरे साथ आए, मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा। अलादीन की माँ तुरंत सहमत हो गई। उसे क्या पता था कि अमीर व्यापारी होने का नाटक करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक जादूगर था। अगले दिन अलादीन अपना सामान पैक करके व्यापारी के साथ चला गया। कई घंटों की यात्रा के बाद व्यापारी रुका। अलादीन भी आश्चर्यचकित होकर रुक गया कि उन्हें ऐसी सुनसान जगह पर रुकना चाहिए। उसने चारों ओर देखा, मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ रंगीन पाउडर निकाला और जमीन में फेंक दिया। अगले ही पल पूरा स्थान धुएं से भर गया। जैसे ही धुआं साफ हुआ, अलादीन को जमीन में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, वह एक गुफा थी। व्यापारी अलादीन की ओर मुड़ा और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गुफा के अंदर जाओ, वहाँ जितना सोना तुमने देखा है उससे कहीं अधिक होगा, जितना सोना चाहो ले लो, तुम्हें एक पुराना दीपक भी दिखाई देगा, कृपया उसे मेरे पास वापस ले आओ, यह अंगूठी ले लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। अलादीन बहुत सशंकित था, लेकिन उसने जैसा कहा गया था वैसा ही करने का फैसला किया। वह पूरे समय ये सोचते हुए कि बिना मदद के बाहर निकलना मुश्किल होगा, खुद को गुफा में उतारा। अलादीन ने गुफा में प्रवेश किया और जैसा कि व्यापारी ने कहा था, उसने सोना, गहने, हीरे और अन्य कीमती सामान देखा। उसने अपनी जेबें भर ली। जब ये हो गया तो उसने दीपक की खोज की। वह कोने में पड़ा हुआ था, धूल से भरा हुआ और गंदा। उसने उसे उठाया और गुफा के द्वार की ओर भागा और व्यापारी से चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारा दीपक है, क्या तुम कृपया मुझे बाहर निकाल सकते हो, मुझे दीपक दो, व्यापारी ने कहा। अलादीन को निश्चय नहीं था कि यदि वह दीपक लौटा देगा तो उसे बाहर निकाला जाएगा, तो उसने कहा, पहले कृपया मुझे बाहर खींचो। अलादीन और जिन इससे व्यापारी नाराज हो गया। जोर से चीखते हुए उसने वही रंगीन पाउडर निकाला और गुफा के द्वार पर फेंक कर उसे एक विशाल शिला से बंद कर दिया। अलादीन उदास था। उसने सोचा, वह कोई अमीर व्यापारी नहीं था, वह निश्चित रूप से एक जादूगर था। मुझे आश्चर्य है कि ये दीपक उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। वह सोच ही रहा था कि उसने दीपक रगड़ दिया। अचानक कमरे में एक अजीब सी धुंध भर गई और उस धुंध से एक अजनबी दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने कहा, हे स्वामी, मैं दीपक का जिन हूँ, आपने मुझे बचा लिया, आपकी इच्छा क्या होगी। अलादीन डर गया लेकिन कांपती आवाज में बोला, ता मुझे घर वापस ले चलो। और अगले ही पल अलादीन अपनी माँ को गले लगाते हुए घर आया। उसने उसे जादूगर और दीपक के बारे में बताया। अलादीन ने फिर जिन को बुलाया। इस बार जब जिन प्रकट हुआ तो वह डरा नहीं। उसने कहा, जिन, मुझे महल चाहिए, पुरानी झोपड़ी नहीं। अलादीन और उसकी माँ को फिर से आश्चर्य हुआ कि उनके सामने एक शानदार महल था। वक्त निकल गया। अलादीन ने सुल्तान की बेटी से शादी की और बहुत खुश था। ऐसा हुआ कि दुष्ट जादूगर को अलादीन के अच्छे भाग्य के बारे में पता चल गया। वह अलादीन के महल में पुराने दिए बदल कर नए दिए देने का बहाना करके आया। अलादीन की पत्नी राजकुमारों को अलादीन के लिए दीपक की कीमत का पता नहीं था और उसने जादूगर को इंतजार करने के लिए बुलाया। जैसे ही जादूगर ने दीपक देखा, उसने उसे राजकुमारी के हाथ से छीन लिया और रगड़ दिया। जिन प्रकट हुआ, आप मेरे स्वामी हैं और आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, उसने जादूगर से कहा। जादूगर ने आदेश दिया, अलादीन के महल को यहाँ से दूर विशाल रेगिस्तान में ले जाओ। जब अलादीन घर आया तो न तो महल था और न ही राजकुमारी। उसने अनुमान लगाया कि यह अवश्य ही कोई दुष्ट जादूगर है जो उससे बदला लेने आया है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अलादीन के पास एक अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे दी थी। अलादीन ने वह अंगूठी निकाली, रगड़ी। एक और जिन प्रकट हो गया। अलादीन ने कहा, मुझे मेरी राजकुमारी के पास ले चलो। जल्द ही अलादीन अपनी राजकुमारी के साथ अरब में था। उसने अपना दीपक जादूगर के बगल वाली मेज पर पड़ा हुआ पाया। इससे पहले कि जादूगर प्रतिक्रिया कर पाता, अलादीन ने दीपक की ओर छलांग लगाए और उसे पकड़ लिया। दीपक हाथ में आते ही अलादीन ने उसे रगड़ दिया। जिन फिर प्रकट हुआ और बोला, मेरे मालिक अलादीन, आपकी दोबारा सेवा करना वास्तव में अच्छा है, आप क्या चाहते हैं। अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इस जादूगर को दूसरी दुनिया में भेज दे ताकि वह कभी किसी को नुकसान न पहुँचाए। अलादीन की इच्छा पूरी की गई, दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए गायब हो गया। जिन अलादीन, राजकुमारों और महल को वापस छीन ले गया। वह जीवन भर अलादीन के साथ रहा।